बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान इन दिनों विक्रम राठौर और आजाद बनकर थिएटर्स में छाए हुए हैं। भाई आखिर जवान फिल्म में उन्होंने डबल रोल जो किए हैं, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है कि शाहरुख खान ने किसी फिल्म में अपना डबल रोल कर फिल्म में जान डाल दी हो। इससे पहले भी ऐसी कई फिल्में रही जिसमें SRK ने डबल रोल किया और फैंस को एंटरटेन किया। तो चलिए बताते हैं आपको कि शाहरुख खान ने अपने 30 साल के करियर में किन किन फिल्मों में किया है डबल रोल। जवान 2023। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म जवान में शाहरुख खान ने डबल रोल निभाया है। ये बॉलीवुड की न केवल सबसे बड़ी ओपनर बनी बल्कि बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई कर रही है। फिल्म में शाहरुख ने बाप बेटे दोनों का रोल खुद प्ले किया है। विक्रम राठौर के रोल में वो अपने बेटे आजाद का किरदार निभाते हैं और ये दोनों ही रोल किंग खान ने बखूबी निभाए हैं। अपने दोनों ही रोल से उन्होंने फैंस को थिएटर में सीटी बजाने पर मजबूर कर दिया है। 2016। साल 2016 में आई फिल्म फैन में भी शाहरुख खान ने डबल भूमिका निभाई थी। शाहरुख ने सुपरस्टार आर्यन खन्ना और गौरव चंदना जो उनका डाई हार्ट फैन होता है दोनों का रोल खुद प्ले किया था। वहीं इस फिल्म में शाहरुख को उनके एक्टिंग के लिए सराहना मिली। शाहरुख ने फिल्म के लिए काफी मेहनत भी की थी। लोगों ने SRK के दोनों ही किरदार को खूब पसंद किया था, लेकिन इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं किया। इस फिल्म ने कुल 85 करोड़ की कमाई की थी। 2011। रावण में भी शाहरुख खान ने दो किरदार प्ले किए थे। ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जिसे फैन से काफी प्यार भी मिला था। इस फिल्म में SRK ने एक सुपर हीरो का रोल प्ले किया था। रावण में शाहरुख के साथ करीना कपूर खान भी लीड रोल में थी और अपने दूसरे रोल में किंग खान ने करीना के पति का रोल निभाया था। फिल्म का कलेक्शन 115 करोड़ रुपए रहा था और ये बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। 2007। एक और बॉलीवुड फिल्म जिसमें शाहरुख खान दोहरी भूमिका में थे। फराह खान द्वारा निर्देशित ओम शांति ओम में शाहरुख खान ने एक जूनियर आर्टिस्ट ओम प्रकाश मखीजा की भूमिका निभाई, जिसका पुनर्जन्म सुपरस्टार ओम कपूर के रूप में हुआ। फिल्म में उनके साथ दीपिका पादुकोण भी नजर आई और इसी फिल्म से दीपिका का डेब्यू हुआ था। 2006। इस लिस्ट में शाहरुख खान की धमाकेदार फिल्म डॉन भी शामिल है। इस फिल्म में शाहरुख खान ने अपना सबसे दमदार रोल प्ले किया था। फिल्म में शाहरुख गैंगस्टर डॉन और उसके हमशक्ल विजय का रोल निभाते दिखे थे। एक्शन फिल्म को देखने के बाद दर्शकों का पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिला था। आज भी लोग शाहरुख की इस मूवी को देखना पसंद करते हैं। 2005। फिल्म पहेली में शाहरुख ने एक राजस्थानी बिजनेसमैन और उसके हमशक्ल भूत की भूमिका निभाई थी, जिसे अपनी पत्नी रानी मुखर्जी से प्यार हो जाता है। ये फिल्म रेड चिलीज एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित है। पहेली का निर्देशन अमोल पालेकर ने किया था। फिल्म को कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन शाहरुख की एक्टिंग को हर किसी ने पसंद किया था। 1998। महेश भट्ट निर्देशित इस फिल्म में शाहरुख को एक प्यारे शेफ बबलू और एक क्रूर गैंगस्टर के रूप में देखा गया था, जिनका हमशक्ल मनु था। डुप्लीकेट में जूही चावला और सोनाली बेंद्रे भी लीड रोल में थी। इंग्लिश बाबू देसी मैम 1996। शाहरुख खान ने इंग्लिश बाबू देसी मैम में डबल नहीं बल्कि ट्रिपल भूमिकाएं निभाई। इस मूवी में किंग खान गोपाल मयूर के किरदार के अलावा उनके बेटे हरी और विक्रम की भूमिका में मौजूद रहे, लेकिन शाहरुख का ट्रिपल रोल करना काम न आया और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी थी। 1995। एक और OG फिल्म इस लिस्ट में शामिल है और ये फिल्म पुनर्जन्म पर बेस्ड है। फिल्म में शाहरुख खान और सलमान खान दोनों ने दोहरी भूमिका निभाई थी। सलमान शाहरुख ने दो भाई करण अर्जुन की भूमिका निभाई, जो बाद में बदला लेने के लिए अजय और विजय के रूप में पुनर्जन्म लेते हैं। लोगों ने इस फिल्म को देखने के बाद खूब प्यार बरसाया था। ब्यूरो रिपोर्ट E24।